Hello friends, I am Surya. चलते हैं अपना टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं। तो टॉपिक अपना लिखिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है और उसका हेडिंग लिखो VCPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी, इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन नीट में आना श्योर होता है। लिख लो VSEPR, जिसको वेस्पर थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा नाम भी लिख लो, वी फॉर वैलेंस, वैलेंस सेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर पेयर, आर फॉर रिपल्सन थ्योरी। तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो पहले एक वैलेंस सेल, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर, और दूसरा क्या लिखा है, रिपल्सन। यानी हम जो मेन सिद्धांत है, मेन जो कहना चाहते हैं, मेन एक ही बात कहना चाहते हैं, यहां जो लिखा इलेक्ट्रॉन पेयर, थोड़ा इसको अंडरलाइन कर लेना भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर वैसे अंडरलाइन कर लेना, और यहां जस्ट नीचे लिख लेना बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यदि जहां भी लोन पेयर मिल जाएगा वहां तुरंत हम किस नजर से देखने लगेंगे, VCPR थ्योरी से। लोन पेयर मिलने का सिद्धांत ये होगा, लोन पेयर मिलने का सिद्धांत ये होगा कि वहां रिपल्सन होने लगेगा, और अब सेंट्रल एटम को देखोगे भाई, ये किसको देखोगे, सेंट्रल एटम को, और क्या देखोगे सेंट्रल एटम पे, लोन पेयर। यदि किसी भी सेंट्रल एटम पे गलती से भी लोन पेयर आ गया, यदि किसी भी सेंट्रल एटम पे गलती से भी लोन पेयर आ गया, वहां तुरंत हम किस नजर से देखने लगेंगे, VCPR थ्योरी। जैसे कि एग्जांपल हम लेके चलते हैं, मान लो जैसे अगर आप भी जानते हो CH4 एंड NH3, मान लो कि अगर हम मेथेन की बात करें तो यहां भी देखो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आएगा, यहां भी देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। यदि दोनों की ज्योमेट्री की बात किया जाए तो टेट्राहेड्रल आ जाएगा, लेकिन मुद्दे के बाद अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर देखो जब बनाओगे कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन यदि अमोनिया का वही स्ट्रक्चर बनाओ, देखो वही नाइट्रोजन, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। जब सेप की बात करते तो इसका सेप टेट्राहेड्रल होता है, जबकि यहां का जब लोन पेयर आ गया तो यहां का सेप पिरामिडल हो जाता है, क्या हो जाता है, पिरामिडल। तो हम फिलहाल VCPR में यही पढ़ेंगे कि जहां भी लोन पेयर आएगा उसका सेप किस तरह का होगा, जो सेप होगा वो चेंज होगा तो किस तरह का होगा, जो सेप होगा वो चेंज होगा तो किस तरह का होगा। देखो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर, इसे बोलते हैं इररेगुलर, इररेगुलर, या दूसरे लैंग्वेज में बोले तो इसको हम लोग आइडियल बोलते हैं, इसे नॉन आइडियल बोलते हैं। आइडियल का मतलब यहां जो कुछ भी निकालोगे सब एग्जैक्ट आएगा, यहां पे एग्जैक्ट नहीं आएगा, आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, यहां पे यहां कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा लिख लो पहले, इसको दो केस में हम लोग पढ़ेंगे VCPR थ्योरी को, एक केस से पढ़ेंगे जहां लोन पेयर नहीं होगा, एक केस से पढ़ेंगे जहां पे लोन पेयर होगा। तो पहला लिखो केस वन, पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए VCPR में केस वन, केस वन का मतलब है जहां पे लोन पेयर नहीं होगा, यानी लोन पेयर की बात किया जाए लोन पेयर बराबर जीरो हो जाएगा, यानी यहां लोन पेयर बराबर क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा लिख लो पहले, इफ द सेंट्रल एटम, इफ द सेंट्रल एटम इज, लिखो भाई, इफ द सेंट्रल एटम इज, इफ द सेंट्रल एटम इज, तो भाई लिखो, इज नॉट एसोसिएटेड विथ, नॉट एसोसिएटेड विथ, क्यों भाई, लोन पेयर, नॉट एसोसिएटेड विथ लोन पेयर, देन देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल,
सेट ऑफ मॉलिक्यूल इफ द सेंट्रल एटम इज नॉट एसोसिएटेड विथ लोन पेयर देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर शेप एंड आइडियल बॉन्ड एंगल ऐसे लिख लीजिए एंड आइडियल शेप एंड बॉन्ड एंगल यानी यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है ठीक है बॉन्ड एंगल विल बी आइडियल जैसे एग्जाम्पल मान हम लिख लेते हैं देखो एग्जाम्पल ही समझा देते हैं आपको मान हमने CH4 लिखा दूसरा एग्जाम्पल NH4 पॉजिटिव लिख दिया तो CH4 लिखने का मतलब है भाई यहां पे कार्बन हो गया ये देखो इस तरह से और यहां देखो NH4 लिखने का सिद्धांत है तो यहां भी हम शेप की बात किया जाए या ज्योमेट्री की बात करें भी टेट्राहेड्रल आएगा ठीक है एंगल की बात करें यहां पर एंगल अगर देखा जाए 109° 28' आएगा ठीक है वही वाले यहां भी आएगा यहां भी ज्योमेट्री देखो टेट्राहेड्रल आएगा एंगल की बात करो यहां पर तो 109° 28' आएगा बोलो भाई 109° 28' आएगा यदि किसी भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बराबर जीरो है लोन पेयर क्या है जीरो यदि लोन पेयर जीरो होगा देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर शेप या आइडियल शेप बोल दीजिए एंड बॉन्ड एंगल विल बी आइडियल अब यही केस टू लिख लो यहां पे और अच्छे से आप समझ जाओगे थोड़ा सा केस टू लिखो इसी को हमें समझाना है केस टू लेकिन इफ द सेंट्रल एटम इज इफ द सेंट्रल एटम इज एसोसिएटेड विथ देखो यहां लिखा है नॉट एसोसिएटेड ये ना नॉट यदि नहीं समझ पाते इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं भाई इफ द सेंट्रल एटम इज ये देखो यहां लिखा है नॉट एसोसिएटेड विथ लोन पेयर देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी अब यहां देखो आपने लिखा था कि भाई मॉलिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी ये बड़े ध्यान से लिखना भाई ये देखो यहां पे क्या लिखा है रेगुलर शेप लेकिन यदि लोन पेयर आ जाएगा तो यहां शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी इररेगुलर अब यहां क्या हो गया इररेगुलर हो गया क्यों भैया क्योंकि यहां जो सेंट्रल एटम है वो किससे एसोसिएटेड है लोन पेयर से एंड बॉन्ड एंगल ठीक है इररेगुलर एंड बॉन्ड एंगल इज डेविएटेड फ्रॉम आइडियल वैल्यू डेविएटेड का सेंस हुआ कि चेंज हो जाएगा ठीक है ऐसे कि एग्जाम्पल हम लेके आपको सबसे समझाते भाई यहां पे एग्जाम्पल ले लो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे NH3 लिखा था तो पहले अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए यहां पे देखो
ये नाइट्रोजन पहले मान लो ऐसे बना इस तरह से। यदि यहां पे सेंट्रल एटम पे क्या आ गया भाई, लोन पेयर ना क्या आ गया, तो यहां पे लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगेगा तो ये दूर जाने लगेंगे इलेक्ट्रॉन आपस में, और जब ये दूर जाने लगेंगे तो यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये और ये बॉन्ड लेंथ, इसको हम लोन पेयर बोलते हैं, इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, इसको लोन पेयर बोलते हैं, तो इसको हम बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होने लगता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहाँ रिपल्सन ज्यादा है, जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसको डिग्रेड कर देता है, थोड़ा थोड़ा दबा देगा इस साइड से और ये इधर से थोड़ा दबा देगा इसको। देखो ये इसीलिए कहा गया कि जो यहाँ पे शेप होता है वो डिस्टॉर्टेड इरेगुलर का मतलब डिस्टॉर्टेड हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो बॉन्ड एंगल वही आइडियल वैल्यू से चेंज होता है, और इसका जो शेप हो जाता है रिपल्सन की वजह से कुछ थोड़ा भी पिरामिडल टाइप हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है। तो यही जब अमोनिया का यहां से पूछा जाता है तो शेप यहां पे देखो आएगा आपका पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा sp3, और यदि अमोनिया का और पूछा जाए पिरामिडल हो गया, शेप कैसा हो गया पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। यदि एंगल की बात किया जाए एंगल 160 डिग्री के आसपास होता है, लगभग कितना 107 डिग्री, 107। हम इस तरह के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। अब मिटा दे रहे केस वन को, हमें VCBR में सिर्फ केस टू को ही स्टडी करना है, नॉट केस वन। केस टू का मतलब है यदि सेंट्रल एटम पास लोन पेयर है तो उसी का हम स्टडी कहां करेंगे, VCBR थ्योरी में, ठीक है। इसको या तो बोलो पिरामिडल, या इसको दूसरे भाषा में आप डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या फिर इसी को बोलिए पिरामिडल, इसी क्या बोलिए पिरामिडल। तो चलो केस थर्ड लिख लेना, केस थर्ड ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, क्योंकि रिपल्सन का ऑर्डर क्या होगा, तो लिख लेना यहां पे जो सबसे अधिक रिपल्सन होता है भैया वो लोन पे रिपल्सन होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे कम बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, ठीक है। सबसे अधिक रिपल्सन कहां होगा, लोन पेयर, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये क्या भैया केस थर्ड, ठीक। अब देखो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर का नाम सुने होंगे आप भाई, बोलिए किसका नाम वाटर का, देखो भाई यही ना H2O, यदि यहां हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए sp3 आएगा, यदि हम बात करें ज्योमेट्री का तो टेट्राहेड्रल आएगा। अब देखो यही वाटर का जब स्ट्रक्चर बनाओगे, पहले ऐसे देखो ये ऐसे हो गए, जब इसी पीआर में अप्लाई करते थे यही आपका देखो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, बोलो भाई। अब देखो यहां पर जब ध्यान से देखोगे तो ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन होने लगता है। देखो सबसे ज्यादा रिपल्सन का होगा लोन पेयर, फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होने लगेगा, और फिर बॉन्ड पेयर। तो जब यहाँ लोन पेयर रिपल्सन होता है तो ये इसको थोड़ा इधर से इसको दबा देगा और ये थोड़ा इधर से, तो इसका जो शेप हो जाता है कुछ थोड़ा इस तरह से हो जाएगा वहीं से, और पास पास आ जाते हैं दोनों एच, और यहाँ पे जो एंगल आता है, यहाँ पे एंगल वो आपका आता है 104 डिग्री पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है 0.5। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वाटर में जो एंगल आता है वो लगभग 104 डिग्री होता है, अमोनिया में जो आता है वो लगभग 107 होता है। यहां पे एंगल कम इसलिए हो गया क्योंकि जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है यहां पे दो लोन पेयर है, और जब दो लोन पेयर है भैया तो लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन जो होगा वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, ठीक है। अब लिखना ये केस थर्ड था ना,
चलो केस फोर लिखो भैया, केस फोर। केस फोर लिख लेना बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिख लो भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लोन पेयर, लिख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। अब बड़े ध्यान से देखो, यदि सेंट्रल एटम के चारों तरफ लोन पेयर की संख्या बढ़ने लगेगी तो बॉन्ड एंगल हमारा घटने लगेगा, यदि लोन पेयर की संख्या बढ़ने लगेगी तो बॉन्ड एंगल हमारा घटने लगेगा। एग्जाम्पल लेना हो तो ले लीजिए भाई, ये सी एच फोर एन एच थ्री व एच टू ओ, स्ट्रक्चर देखो सी एच फोर का, तो यहां पे लोन पेयर बराबर जीरो। अमोनिया का स्ट्रक्चर देखो भाई, यहां लोन पेयर बराबर वन। वाटर का स्ट्रक्चर देखिए, यहां लोन पेयर की संख्या दो वन और यहां पे जीरो। तो हमने यही कहा भैया, यदि नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम की संख्या इंक्रीज करने लगेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने लगेगा। यहां पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, यहां वही जब बॉन्ड एंगल आते हैं अमोनिया में 160 डिग्री के आसपास हो जाते हैं, यही जब यहां आते हो तो 104.0 समथिंग हो जाते हैं। बोलो भाई एंगल क्यों घटा? यहां का अगर हम बात करें सिर्फ कहते टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल इसको बोलते हैं पिरामिडल या ट्राइगोनल भी पिरामिडल कभी कभी बोल दिया जाता है। ये आपका वी से और बेंट हो जाता है, ठीक है। एक नोट लिख लेना यहां पे भाई, कभी भी इफ वन लोन पेयर, इफ मान लो वन लोन पेयर, टू लोन पेयर, थ्री लोन पेयर, यदि वन लोन पेयर है तो 2.5 ढाई डिग्री एंगल डिक्रीज करता है, दो लोन पेयर है तो 2 × 2.5 × 2 यानी लगभग 5 डिग्री घट जाता है, तीन है तो 2 × 2.5 लगभग 7 डिग्री डिक्रीज कर जाता है एंगल। तो जहां भी आपको लोन पेयर बॉन्ड मिलने लगेगा, देखो ये नॉर्मल रेगुलर वाले में और यहाँ पे क्या डिफरेंस है भाई, एक लोन पेयर का डिफरेंस है इसलिए ढाई डिग्री यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो गया, यहाँ से अगर मिलाओगे तो यहाँ दो लोन पेयर का डिफरेंस है इसलिए देखो यहाँ से 9 में 7 घट गया 105.0 समथिंग आ गया, यहाँ से मिलाओगे तो एक लोन पेयर का डिफरेंस है यहाँ पे देखो 0.5 का डिफरेंस है, 2.5 का डिफरेंस यहाँ पे मिल गया आपको। तो ये आपका VCPR थ्योरी में केस फोर है आपका, क्या है केस फोर। तो जो केस फोर लिखा गया भैया वो नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी सेंट्रल एटम के अलोंग यदि लोन पेयर की संख्या बढ़ने लगेगी, रिपल्शन बढ़ने लगेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने लगेगा। अब हम आते हैं केस फाइव पे, केस फाइव, ठीक है। याद रखना जहां भी अगर मेथेन में देखो और अमोनिया में एक लोन पेयर तो ढाई डिग्री डिक्रीज हुआ, वाटर है तो दो लोन पेयर हो गया इसलिए 5 डिग्री डिक्रीज कर गया। तो देखो वाटर हमेशा पूछता है भाई कि वाटर में जो एंगल होता है 104 डिग्री के आसपास होता है, 104.5 डिग्री सेल्सियस होता है, अमोनिया 107.5 मान दे या फिर 1.7 के प्राप्त से याद रहना चाहिए, मेथेन 109.28 के आसपास होता है। केस फाइव में आ जाओ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। देख लेना इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, यानी सराउंडिंग एटम के क्या भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और सेंट्रल एटम के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और एक और लिख लेना बॉन्ड एंगल
directly proportional, bond angle directly proportional size of surrounding atom, bond angle directly proportional size of surrounding atom. और यही लिख लो bond angle directly proportional back bonding, directly proportional back bonding, back bonding. यानी जो bonding है वो back bonding के क्या है, directly proportional, और size of surrounding atom के भी directly proportional. देखिए यदि हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात किया जाए तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जैसे मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं भाई, यहाँ पे H2O एंड F2O. तो यदि हम यहाँ पे देखा जाए सेंट्रल एटम को, तो दोनों में ऑक्सीजन है, इसलिए हम इसे डिसाइड नहीं कर सकते. मान लो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये स्ट्रक्चर या फैसे बनेगा और ये वाला या फैसे बनेगा. लेकिन यदि हमको अब यहां देखा जाए भाई, सेंट्रल एटम सेम हो गया दोनों में, इसलिए हम उससे डिसाइड नहीं कर सकते, बचा पे सराउंडिंग एटम. यदि सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने लगेगा. बोलो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने लगेगा. चलो अब देखो यहां जो लिखा ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, हाइड्रोजन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा. मान लो यहां का बॉन्ड एंगल एक्स है, ये बॉन्ड एंगल वाई है, ठीक. तो हमें देखो चार ऑप्शन दे देगा, एक तो दे देगा एक्स बराबर वाई पहला ऑप्शन, दूसरा दे देगा एक्स ग्रेटर देन वाई, तीसरा दे देगा एक्स स्मॉलर देन वाई, चौथा दे देगा नन, ठीक. तो हम अपने तरीके से चलेंगे भाई कि जब सेंट्रल एटम सेट है, सराउंडिंग एटम को देख लीजिए. अब यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है सराउंडिंग एटम की, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम के बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम के बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द सराउंडिंग एटम, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द सराउंडिंग एटम. बोलो भाई. तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, अब हमको पता चल गया कि यहां पे जो बॉन्ड एंगल वाई का कम हो जाएगा, हाइड्रोजन का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ड लिखा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, यानी यहां बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, यानी एक्स वाला ज्यादा हो जाएगा, यानी यहां पे एक्स ग्रेटर देन वाई. अपना कोई ऑप्शन मिला गया, एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है. अब जैसे मान लो एग्जाम्पल यहां और ले लेते हैं फिर, देखो जैसे